हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे से होंगे। सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे चैनल पे गाइस, स्टेप फॉर वे सभी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसकी मदद से, इस वीडियो की मदद से आप खुद से वीज़ा फॉर्म गाइस भर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वीज़ा फॉर्म चेंज हो चुका है माल्टा वर्क परमिट के लिए। अब गाइस, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिटेल्स और फॉर्म राइट साइड पे दिया हुआ है, तो ये वीज़ा फॉर्म नया है। मैंने इसके लिए पहले वीडियो डाल दिया था कि वीज़ा फॉर्म चेंज हो चुका है गाइस। तो पहले जो वीज़ा फॉर्म भरा जाता था वो नहीं अब एप्लीकेबल होगा। अब न्यू वीज़ा फॉर्म है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो कि कैसे भरना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आप खुद से बिना किसी की मदद के गाइस फॉर्म भर सकेंगे। ओके, तो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। ओके, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे। जो भी माल्टा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वीज़ा फॉर्म के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो बिना किसी की गाइडेंस की वो खुद से भर सकते हैं। बहुत ईजी है गाइस, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को जरूर शेयर भी करें आगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है गाइस कि हम आप करने वाले हैं बात माल्टा वर्क परमिट के न्यू वीज़ा फॉर्म की। तो इसमें आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें एक फॉर्म भरा हुआ है मैंने अपनी तरफ से, एक गाइडेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके गाइस। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं पूरे फॉर्म के पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये गाइस हमारा फॉर्म है, न्यू वीज़ा फॉर्म, देख लीजिए इसको। और सभी ने आने वाले दिनों में जिन्होंने भी सबमिशन करवाना है गाइस, खुद से इसी फॉर्म को ही भर के करवाना है गाइस। ओके, ये आपने ऐसे कोशिश करें कंप्यूटराइज फिल करें जैसे मैंने किया हुआ है, हैंड रिटन मत करें। ओके, बिकॉज हैंड रिटन से क्या होता है, थोड़ा सा कई बार इंक वगैरह फैल जाती है कैसे ना, तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा होता है, क्लीन होता है। और फॉर्म को एकदम ध्यान से देख लीजिए पहले, ये वाला फॉर्म है गाइस, और ये फॉर्म फ्री होता है लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। ओके, फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, ये फ़ोटो लगानी है इस पर आपने। जब भी आपने VFS में जैसे सबमिशन करवाना है तो ये फ़ोटो का साइज़ साथ में लेके जाना है, या खुद से भी यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, या VFS में जाएंगे वहाँ पर भी लग जाएगी गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑलमोस्ट सेम फॉर्म है पहले जैसा, बट फिर भी मुझसे था कि मैं आपको फिर से ये चीज़ बताऊं कैसे फॉर्म भरना है। मेरे से सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे मुझसे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और नया फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उनको गाइडेंस दूं। ओके, तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले है नंबर वन पे सरनेम। इसमें आपने अपना सरनेम देना है, जैसे मैंने इस पे दिया सिंह। सेकंड नेम पे भी सरनेम है सिंह, सेम हो गया। फर्स्ट नेम में आपका आएगा नेम, जैसे मैंने यहाँ पे अमनदीप लिखा है, जो भी आपका नेम है आपने वो नेम देना है गाइस। ओके, चलिए उसके बाद नीचे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। और फिफ्थ नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, जो आपका प्लेस है वो आपने देना है यहाँ पे, कर्सर पे मेन करना, ये प्लेस ऑफ बर्थ, कोई दिल्ली से, गुजरात से, पंजाब से, ये देना है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया। सेवन पे आपने करना है नोट एप्लीकेबल। ओके, तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद नंबर एट है, ओके, जो पर्सन मेल है मेल पे टिक करेंगे, जो फीमेल्स हैं फीमेल पे टिक करेंगे। ओके, नाइन्थ पे हम टिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं सिंगल पे करेंगे, मैरिड है अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे गाइस। जो भी आपका हाईएस्ट मिस कैटेगराइज हो तो वो आपने टिक करना है गाइस। ओके, नंबर नाइन तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे गाइस से नंबर टेन, इस पर आप करेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके, बिकॉज 18 प्लस होते हैं तो पेरेंट्स अथॉरिटी नहीं चाहिए, अडल्ट होते हैं, तो इसके लिए हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे इस पर। इलेवन पे गाइस आपका आएगा नेशनल आइडेंटिटी नंबर। ओके, इस पर लिखेंगे हम पासपोर्ट नंबर से होगा आपका गाइस। ओके, इसे पासपोर्ट नंबर आएगा। उसके बाद गाइस आएगा 12 नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो हमारा पासपोर्ट जो होता है वो ऑर्डनरी होता है, तो इस पर हम ऐसे सर्कल कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट गाइस आएगा नंबर 13, इस पे भी आपका पासपोर्ट नंबर आएगा गाइस, ठीक है, ये वाला सेम। और डेट ऑफ इशू जिस पे है वो लिखनी है पासपोर्ट में जो दी है आपके। उसके बाद वैलिड कब तक है वो डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद इशू कहाँ से हुआ, जैसे मैंने लिखा है RPO दिल्ली, जो भी है RPO चंडीगढ़, जैसे जो भी है आपका पासपोर्ट पे डिटेल्स, उस अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे गाइस फिल करना है। ओके,
ये हो गया 16 तक. उसके बाद गाइस 17 आपने जो है वो खाली छोड़ देना बस, बिकॉज ये हैं पर्सनल फैमिली डिटेल्स जो ईयू के रिलेटेड है, तो ये एप्लीकेबल गाइस नहीं है. आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है. ओके, 18 भी सेम है, 18 भी ब्लैंक छोड़ देना है, आपने इस पर नहीं करना. और 19 पे गाइस आपका आएगा होम एड्रेस, जहाँ आप रहते हैं, जो भी आपका घर का एड्रेस है, जैसे भी है. तो मैंने यहाँ पे जैसे दिया हो दिल्ली का, और अपना अपने घर का एड्रेस देना है यहाँ पे, वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐसे देना है. ओके गाइस, प्लस 91 जरूर टाइप करना है ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ उस पर. उसके बाद गाइस नंबर 20 पे, इस पर आपने लिखना है नो. ओके, बिकॉज आप इंडिया में हो तो बाहर नहीं रह रहे ना अभी. रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, तो नो, यहाँ पे नो आएगा इस. ओके, 21 पे आपका करंट ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब आप अभी जैसे इंडिया में हो, इंडिया से आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो इंडिया में क्या काम कर रहे हो, तो आपने इस पर जैसे अपना दे देना. मैंने इस पर वेटर लिखा है, जैसे क्रू मेंबर, तो आपने वो पोजिशन लिख देनी है. कोई क्लीनर है तो क्लीनर लिख सकता है. और 22 पे गाइस आपका एड्रेस आएगा जहाँ आप काम करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है मैकडॉनल्ड्स न्यू दिल्ली इंडिया, तो आपकी कंपनी का, होटल का, जहाँ भी आप वर्क करते हो उसका एड्रेस आएगा गाइस. ओके, उसके बाद 23, जैसे कि आपको पता है पर्पस ऑफ द जर्नी हमारा वर्क परमिट है गाइस, ठीक है. तो इस पर किसी भी तरह से कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अदर को सर्कल कर देंगे इस पर, और ऐसे साइड पर टाइप कर देंगे वर्क परमिट. ओके, उसके बाद 24th पे भी हम लिखेंगे वर्क परमिट, ठीक है. और 25th पे आ जाइएगा इस, यहाँ पे लिखा है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन. आपकी मेन डेस्टिनेशन माल्टा है, तो माल्टा टाइप करेंगे. उसके बाद है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है. तो आपने फर्स्ट एंट्री कौन सी लेनी है, अभी इसमें माल्टा ही लिखना चाहिए. अभी कई पर्सन जैसे जब वीज़ा आ जाता है तो वह इटली जाते हैं, तो ऐसे इटली आता है जैसे यहाँ पे, तो आपने फॉर्म में कभी भी ऐसे नहीं करना, आपने माल्टा ही गाइस फिल करना है, कोई कुछ भी दूसरा कंट्री नहीं लिखना. और गाइस 27 पे आ गया नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड. तो आपको पता है सिंगल एंट्री होता है जो हमारा वीज़ा होता है 91 डेज का, तो सिंगल एंट्रीज पे ही टिक करना है गाइस. ओके, उसके बाद है इंटेंडिंग डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन शैनिगन एरिया. अपनी डेट देनी है आपने, जैसे अपने फाइल सबमिट करवानी है, तो कोशिश करें 40 डेज के बाद का डेट यहाँ पे दें जब आप सबमिशन करवाते हैं. तो जैसे यहाँ पे डेट दिया मैंने 21 सितंबर 2023, और उसके बाद है इंटेंडिंग डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शैनिगन एरिया आफ्टर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे. तो 91 डेज का डिफरेंस दे के इसमें आपने वो डेट्स डाल देनी है. ओके, उसके बाद है गाइस 28 पे फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ द अप्लाइंग फॉर अ शैनिगन वीज़ा. इसका मतलब है आपने कभी पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हैं शैनिगन वीज़ा के लिए, तो आपने नहीं दिए तो नो करेंगे. ओके गाइस, फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो नो करेंगे. उसके बाद गाइस 29 पे कुछ नहीं करना, ब्लैंक आएगा उस पर. अभी जाएंगे नंबर 30 पे गाइस, ये देखिए नंबर 30 पे गाइस लिखा हुआ है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन. ओके, ऑन द मेंबर स्टेट इफ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ द होटल टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट. इसका मतलब ये है गाइस, आपको जो वहाँ पे अकोमोडेशन दे रहा है पर्सन, उसका नाम देना है यहाँ पे. ओके, जैसे होस्ट आईडी हम लगाते हैं ना लीज एग्रीमेंट के साथ, जिसका अकोमोडेशन पेपर्स होते हैं, तो उसका नाम गाइस यहाँ पे आता है, ठीक है. उसके बाद जाएंगे हम अगले कॉलम पे, और उसके बाद गाइस आ गया जो पर्सन हमें अकोमोडेशन दे रहा है उसके घर का एड्रेस देना है. ओके, उसके अकोमोडेशन का, जो उसकी आईडी कार्ड पे भी लिखा होता है ना सेम, जो होस्ट का आईडी कार्ड होता है, होस्ट की आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे फिल करना है गाइस. जैसे मैंने लिखा 45 ट्रिक मोस्टर. ओके, और उसका फ़ोन नंबर लिखना है जो अकोमोडेशन दे रहा है. ओके, ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया. उसके बाद चलते हैं हम आगे 31st नंबर पे. 31st नंबर पे गाइस है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, मींस जो आपको जॉब ऑफर कर रही है कंपनी, उसका ना यहाँ पे सारा आपने लिखना है गाइस. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैकडॉनल्ड्स सेंट जूलियन माल्टा, ठीक है. ये हो गया कंपनी का नाम. इसके पहले आप एड्रेस भी लिखेंगे, इस पर एड्रेस आएगा, जैसे कुछ भी आपका जो कंपनी का एड्रेस है, जैसे जेसिका कैले है, ऊपर पहले आएगा जेसिका कैले, ठीक है. उसके बाद कोमा डाल के फिर मैकडॉनल्ड्स एंड जूलियन माल्टा, ठीक है गाइस. सेम
जैसिका कैली आएगा. और नीचे गाइस जैसे मैंने लिखा है सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तो यहाँ पे आपने सब देना है गाइस. जैसिका कैली, सेंट जूलियन, माल्टा, ठीक है. और यहाँ पे गाइस आ गया नीचे फोन नंबर, ओके. और अगर कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी जरूर देंगे गाइस, ओके. ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डालना है आपने. उसके बाद जैसे जो कंपनी आपको दे रही है जॉब ऑफर, उसका ऑफिस का जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डालना है गाइस, ओके. जो जो हेडिंग्स पे लिखा होगा गाइस, जो जो आपके पास डिटेल्स होगी, ओके. जैसे आपके पास पेपर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इनविटेशन लेटर, तो उस पर जो भी डिटेल्स होगी आपने यहाँ पे फिल करना है. जैसे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो सब यहाँ पे फिल कर देना. मैंने कुछ डिटेल फिल की है, आपने सारा करना है गाइस अकॉर्डिंगली, ठीक है. ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए भरा है. उसके बाद गाइस है 32 नंबर पे देखिए. उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड, ओके गाइस. ये आपने लिखना है कि जो एप्लीकेंट है वो खुद से अपना सारा कर रहा है अरेंज, ठीक है. जैसे रहने का कि एम्प्लॉयर आप आपको आपके लिए वो अरेंजमेंट करवा रहा है. जैसे कई मोस्टली क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स हमें अकोमोडेशन नहीं देते, ठीक है. हम खुद से करते हैं, खुद से करते हैं ना, लीज अग्रीमेंट वगैरह खुद ही सारा कुछ करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, यहाँ पे टिक करेंगे. कैश पेमेंट देंगे उनको, तो ये आएगा प्री पेड अकोमोडेशन, प्री पेड ट्रांसपोर्ट, इस पर सारा आपने टिक करना है. अगर आपको आपका स्पॉन्सर कर रहा है एम्प्लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन दे रहा है सारा कुछ उसका जिम है, तो गाइस यहाँ पे टिक करना है आपने. वही सेम कैश पे टिक करना है और उसके बाद अकोमोडेशन प्रोवाइडेड पे टिक करना है गाइस, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट पे टिक करना है, ठीक है. ओके गाइस, आई होप सो आपको सारा फॉर्म समझ आ रहा है. उसके बाद ये सारा डिक्लेरेशन है. उसके बाद नीचे जाना है आपने, ओके. नीचे जाके गाइस लास्ट में आएगा प्लेस एंड डेट, मीन्स जब आप सबमिशन कराओगे उस दिन का डेट आएगा और जो सिटी से सबमिट करोगे उस सिटी का नाम आएगा, लाइक न्यू दिल्ली से 21 जुलाई 2023. और यहाँ पे जस्ट सिग्नेचर लिखा राइट साइड पे, यहाँ पे नाम टाइप नहीं करना गाइस, आपने साइन करने हैं पेन से खुद से. ये मैंने नेम लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे साइन करने हैं गाइस, ओके. होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस. ये 5 पेजेस हैं होंगे वीजा फॉर्म के, तो 5 के 5 वीजा फॉर्म अपने गाइस भरने हैं, ठीक है. तो जो भी पर्सन गाइडेंस लेना चाह रहे थे कि फॉर्म कैसे भरना है, तो वीडियो के माध्यम से आप सारा फॉर्म खुद से भर सकते हैं गाइस, ओके. तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में. और जो पर्सन अभी फाइल अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी की हेल्प चाहते हैं, तो वो वीडियो देख के खुद ब खुद गाइस भर सकते हैं. होप सो आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी. अगर फिर भी कोई डाउट है मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, ओके. मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, तो स्टैफोर्ड वीज़ा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें और stafffordvisa@gmail.com मुझे मेल करें गाइस, ओके. गाइस थैंक यू सो मच.